तो हे गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स योर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो रिनो 3 के बारे में, बताऊंगा स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, डिज़ाइन के बारे में एंड इसके अप्रॉक्सीमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो तो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा ओप्पो रिनो 3 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करूँ स्मार्टफोन का डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर जो ओप्पो रिनो 3 होने वाला आपको सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा ओप्पो रिनो 2 जैसा। सिर्फ यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा के इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा एट द रियर साइड, उसके साथ फ्रंट साइड में जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा यानी कि जो पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा उसका पॉपअप मैकेनिज्म एकदम सिमिलर होने वाला ओप्पो रिनो 2 जैसा। एंड यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल के एक फ्रंट कैमरा के इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ नीचे में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा पावर बटन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम लॉकर देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको S2S डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसके से आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले की बात करो तो आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले पैनल जिसका रेजोल्यूशन होने वाला है 1080x2400 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा 405 PPI का पिक्सल डेंसिटी, जहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन एंड कलर सेचुरेशन आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही हमारा जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, क्योंकि हमारा आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G जिसमें आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगा 2.2 GHz जो कि बेस्ड ऑन डुअल कोर क्रायो 470 के ऊपर एंड 1.8 GHz का आपको हेक्सा कोर देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड ऑन क्रायो 470 के ऊपर। एंड GPU की बात करो तो हमारा आपको एड्रिनो 618 का GPU देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। तो किसी भी हाई ग्राफिक्स गेम को बहुत ही आराम से रन करा पाओगे, कोई भी आपको हीटिंग इशू, कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। एंड रैम पैन की बात करो तो आपको 8 GB रैम देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो भाई माइक्रोएसडी कार्ड अप टू 256 GB तक। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करो तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा के इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा 60 MP का, सेकेंडरी सेंसर आपको 8 MP का देखने को मिलेगा, थर्ड जो सेंसर होने वाला आपको 13 MP का देखने को मिलेगा एंड 2 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। एंड कैमरा फीचर में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल जूम फीचर भी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको TOF सेंसर भी देखने को मिलेगा कैमरा के साथ में। एंड फ्रंट में आपको 32 MP के एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं आपके एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड कस्टम में आपको रेगुलर वाइज कलर वाइज ही देखने को मिलेगा। एंड बैटरी की बात करो तो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 4500 mAh की एक ह्यूज बैटरी जिसके साथ आपको वूक फ्लैश चार्ज 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में बात करो स्मार्टफोन का प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के अंदर। एंड लॉन्चिंग डेट की बात करो तो जो स्मार्टफोन होने वाला आपको दिसंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये आज का वीडियो ओप्पो रिनो 3 के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना एंड हमने इस चैनल में पहली बार है तो ये सब्सक्राइब मारना, नोटिफिकेशन बिल को दबा दो एंड उससे पहले हमने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक वालों नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।